संदेश खली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, दो रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। संदेश खाली में हुई घटना के बाद से ही पूरे देश में सनसनी फैल रही है। पीड़ित महिलाओं की चीख न्याय की गुहार लोगों के कानों में गूंज रही है। इस मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आतंक का हाल ही में पर्दाफाश हुआ, जब एक एक कर संदेश खाली में रहने वाली हरेक महिला ने उस पर संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम तहकीकात करने संदेश खाली गांव पहुंची, जिसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और वही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना तूल पकड़ चुकी है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को इस याचिका को लौटा दिया। हालांकि जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी है कि वो इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही संदेश खाली मामले में संज्ञान ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो एसआईटी का गठन कर सके। एक ही मामले पर दो मंचों पर सुनवाई करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। बता दें कि इस मामले में एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेश खाली के इलाके में पहुंचकर पीड़ित महिलाओं से बातचीत भी की है। इस मामले पर उन्होंने कहा है कि बहुतों के साथ यौन शोषण हुआ है, दो रेप केस के बारे में भी उन्होंने खुद अपने आप अपने सामने सुना। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं पुलिस और समाज के कारण ये जो महिलाएं हैं वो डरी हुई हैं। आप खुद ही सुनिए कि अब रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा। संदेश खली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, दो रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं जो रेप भी हो, और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या, यदि मेरे सब कपड़े उतार दिए गए तो करा क्या। ये आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं, आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। हालांकि अब इस मामले में देखना यह है कि ममता बनर्जी अब क्या रुख लेंगी। अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की इस खारिज याचिका पर क्या बयान देंगी, क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा था कि ये मामला जो है इसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। यानी उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि ये मामला कुछ भी नहीं है और इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब ये मामला तिल का ताड़ बन चुका है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है, अब सरासर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि सीबीआई या एसआईटी कोई भी टीम संदेश खाली में हुई इस घटना पर कोई भी जांच नहीं करेगी। तो अब देखना यह है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले में क्या रोक लेंगी, क्या अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस मामले पर बयान बदलेगा, या एक बार फिर वो अपने राज्य की महिलाओं की कोई कदर ना कर सिर्फ राजनीति देखेंगी। फिलहाल इस मामले पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।